सत्तू में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। पेट फूलना, कब्ज, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं के लिए सत्तू का सेवन फायदेमंद माना जाता है। सत्तू में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है और सूजन को कम करता है। पीनट बटर में कई ऐसे पोषक तत्व और विटामिन पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व वजन घटाने, हृदय रोग, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा ये डायबिटीज से लड़ने में भी सहायता करता है। आप इसे सुबह या शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। पेट के कीड़े खत्म करने के लिए आड़ू के पत्ते का रस 2 से 3 चम्मच पिए। थोड़ा सा गुड़ खाकर फिर आड़ू के पत्ते का रस पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। पेट में जमा चर्बी को कम करने के लिए बादाम को रात में पानी में भिगो दे और सुबह उठकर खाली पेट बादाम को चबाकर खाएं। इससे 1 महीने में पेट की चर्बी तेजी से कम होने लगेगी। वजन को कम करने के लिए सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की 2 कलियों को चबाकर खाएं और इसके बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से वजन तेजी से कम होने लगता है। अगर आपके मुंह से बदबू आता है या आपके दांतों में दर्द रहता है, तो इसके लिए रोजाना अमरूद की कोमल कोमल पत्तियों को तोड़ लीजिए और इसे अच्छे तरीके से धोकर धीरे धीरे चबाकर खाएं। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। मूंग दाल अन्य दालों की तुलना में काफ़ी हल्की होती है और आसानी से पचाने योग्य होती है और हमारे शरीर में गैस को बनने से रोक सकता है। इसके अलावा मूंग दाल में फाइबर और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप चाय के साथ सलाद खाते हैं, तो ऐसा करने से आप पेट की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। चाय के साथ अंकुरित अनाज भी नहीं खाना चाहिए, जैसे अंकुरित चने, अंकुरित दाल आदि। 2-3 महीने तक लगातार बिना नमक के चने के आटे की रोटी खाने से दांत, खुजली और खून की खराबी की समस्या दूर हो जाती है। रोजाना हेल्थ, ब्यूटी और कुकिंग संबंधी जानकारियाँ पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो ज़रूर करें।